आदाब अर्ज है जनाब आली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज, कैसी गुजर रही हैं गर्मियाँ? समझती हूँ, लेकिन अब क्या करें। वैसे गर्मियों में तो दिल चाहता है कहीं पिकनिक पे जाया जाए, लेकिन खबरदार जो कोई घर से निकला, सब घर में रहेंगे, कहानी आंटी से कहानी सुनेंगे। कहानी का वक्त है और आज की कहानी है मोनी और नोनी, जिसकी मुसन्निफा है राबिया मोइन और मुसव्विरा है मुजना रुखे। और ये जो है मोनी और नोनी, ये भी पिकनिक पर तो नहीं गए, लेकिन नकल मकानी करके एक और जगह चले गए। नकल मकानी कैसे बताऊँ मैं आपको क्या होती है, एक नई जगह जाकर रहने लगे। तो जनाब मोनी और नोनी की कहानी है कुछ यूं। मैं आमिर और सीमा की बकरी ने दो प्यारे प्यारे बच्चे दिए थे और वो दोनों उन्हें खूब प्यार करते थे, लेकिन अब्बू ने उन्हें बताया कि वो इन बच्चों को किसी फार्म को बेच देंगे, क्योंकि घर में तो उन्हें रखने की जगह थी नहीं। ओए ओए अम्मी, हमें कहीं नहीं जाना आपके बगैर, मोनी और नोनी ने कहा। अरे नहीं बच्चों, उदास ना हो, फार्म पर रहने में तो बहुत मज़ा आता है, इतने सारे दोस्त होते हैं और सब मिलकर खेलते भी हैं, बस दोनों मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर एक दिन एक वैन आई और मोनी नोनी को उनके नए घर ले गई। मोनी तो फार्म पर पहुंच कर बहुत खुश हुई। क्या ताजा हवा है और इतनी बड़ी जगह भी है खेलने के लिए, और लगता है काफी सारे दोस्त बन सकते हैं यहाँ तो। चलो भाई, मैं तो चली सबसे सलाम दुआ करने। लेकिन नोनी तो बिल्कुल खुश नहीं था, उसको पुराने घर की और अम्मी की बहुत याद आ रही थी। नोनी कुछ तो खा लो, हमें आए हुए 3 दिन हो गए हैं और तुमने ना कुछ खाया पिया है ना कुछ बोल रहे हो, तुमने तो फार्म का चक्कर भी नहीं लगाया, देखो कितना खूबसूरत है, मोनी ने कहा। लेकिन नोनी ने ना कुछ कहा और ना कुछ खाया पिया, बस कोने में बैठा रोता रहा। बकरी भी, जिनको हमेशा सबका बहुत ख्याल रहता था, दूर बैठी मोनी नोनी को देखकर परेशान हो रही थी। फिर उन्हें ख्याल आया और वो वहां से दौड़ती हुई चली गई। कुछ देर के बाद नोनी की नजर नजदीक आते हुए गाय के हुजूम पर पड़ी, वो थोड़ा घबरा गया। मोनी नोनी देखो, हम तुम दोनों के लिए क्या लाए हैं, गुलाबो खाला ने कहा। अरे वाह, इस मक्खन की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और नोनी तुम्हें तो मक्खन बहुत पसंद भी है ना, मोनी खुशी से बोली। नोनी बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है। फिर देखा तो एक के बाद एक फार्म की सारी बत्तखें और चूजे दौड़े चले आ रहे थे। चूचू मियां ने आवाज दी, मोनी नोनी तुम दोनों हमारे साथ चलो और हमारे तालाब में एक एक डुबकी लगाओ, देखना इतना ताजा दम महसूस होगा कि बस। आए, पानी तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बस अभी आई नोनी। ये कहते हुए मोनी ने तालाब की तरफ दौड़ लगा दी और नोनी गुस्से में वहीं बैठा रहा। इतने में फार्म का पालतू कुत्ता मोमो मुंह में एक गेंद लिए और हाथों में खिलौने लिए भागता आया और बोला, मोनी नोनी देखो, मैं तुम दोनों के लिए अपने सारे खिलौने लेकर आया हूँ, हम सब मिलकर इनसे खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नोनी खड़ा हुआ, गेंद उठाई और शौक से उसे देखने लगा। सब खेल ही रहे थे कि सामने से भेड़ों का एक हुजूम बा बा करता हुआ आया। भेड़ भैया ने मोनी नोनी के पास आकर मोनी को एक खूबसूरत सा कंबल पकड़ाया और बोला, ये तुम दोनों के लिए है। इतने में करीब से एक आवाज आई, सबने मुड़कर देखा तो घोड़े दादा खड़े रेडियो चला रहे थे। अरे
ये मुझे क्या हो रहा है? नोनी ने खुद से बातें करते हुए कहा। नोनी को मौसीकी का बहुत शौक था, उसके हाथ पांव तो खुद से ही हिलने लगे। बस फिर तो नोनी बिना सोचे हिलने लगा, मटकने लगा, हंसने लगा। नोनी का नाच देखकर सब जानवर हंसी से लोटपोट होने लगे। इसके बाद तो एक मेले जैसा माहौल बन गया। सब नाचने गाने भी लगे और बकरी भी का लाया हुआ खाना भी खाने पीने लगे। सभी को बहुत मजा आया। शाम को मोनी और नोनी ने सबका बहुत खुशी खुशी शुक्रिया अदा किया। फार्म उनका नया घर तो बन गया था, लेकिन अम्मी की याद उनको अब भी बहुत आती थी। वैसे मेरा ख्याल है अम्मी को उनके साथ ही भेजना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है?